हमारे के साथ हिमांशु शर्मा न्यूज स्टेट गाजियाबाद। अब रुक कर लेते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर डेट्स आपको बता देते हैं। 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को परीक्षा होगी। पूरे प्रदेश में दो पालियों में ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर सीएम आवास पर बैठक भी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया था और अब तक की जो परीक्षा की तैयारियां हैं उसको लेकर ये समीक्षा बैठक की गई थी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर अफसरों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने फीडबैक भी लिया। तो बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए गाजियाबाद प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में 23 अगस्त से 20 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच यह परीक्षा कराई जाएगी, जहां 8,500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी निगरानी में सुरक्षा के बीच ये परीक्षा की जाएगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं पुलिस परीक्षा को लेकर वो पूरी हो चुकी हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा चाक चौबंद है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सारे इंतजाम जनपद गाजियाबाद में पूर्ण हो चुके हैं। 20 केंद्रों में ये परीक्षा संचालित हो रही है। इसमें जो परीक्षार्थी भाग लेने के लिए आ रहे हैं उनको जो बस हैं, उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें हैं, उनमें निशुल्क ट्रेवल करने का अधिकार दिया गया है और उनका जो प्रवेश पत्र है वही उसके लिए मान्य होगा। जहां तक सुरक्षा की बात है, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, हर परीक्षा केंद्र को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट एंड पेपर लेके जाने के लिए मजिस्ट्रेट्स की तैनाती प्रॉपर की गई है, जो पुलिस सिक्योरिटी के साथ लेकर जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की शुरुआत कल से होने जा रही है। 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त, ये वो 5 तारीख है जब एग्जाम होंगे, अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दो पालियों में परीक्षा रखी गई है। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पहली पाली होगी, जबकि दूसरी पाली की बात करें तो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक दूसरी पाली की व्यवस्था की गई है। बात गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में 20 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 8,500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। किसी तरह की कोई भी नकल ना हो, नकल वहीन परीक्षा हो, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। गाजियाबाद के डीएम इंद्र विक्रम सिंह का कहना है सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी वहां पर ना हो। खासतौर पर इस बार सॉल्वर गैंग्स पर भी निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी तरह की कोई बाधा सॉल्वर गैंग उत्पन्न ना कर पाए। आसपास के एरिया के अंदर पुलिस तैनात रहेगी ताकि जो सेंटर है उसके आसपास की हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाए। कुल मिलाकर नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस बार पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। वहीं आगरा में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने कल से शुरू होने वाली परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। आगरा में 27 केंद्रों पर परीक्षा होगी। नकल विहीन परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रॉपर भर्ती बोर्ड द्वारा जो कार्यदायी संस्था है, जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं, जो केंद्र व्यवस्थापक हैं और केंद्र पुलिस प्रभारी हैं, उनकी ड्यूटीज जो है उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो क्लियरली गाइडलाइंस के द्वारा जारी की गई हैं। उनको बारी बारी से हम सभी के द्वारा जो संबंधित केंद्र व्यवस्थापक और केंद्र पुलिस प्रभारी हैं उनको ब्रीफ किया गया है सबका काम क्या है। तैयारियाँ हमारी पूरी हैं, कल से हम लोग पूरा ये जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसको सफल संपन्न कराएंगे। आगरा शहर में कल पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है, जिसको लेकर आगरा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आगरा में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन परीक्षा केंद्रों पर 1,20,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर आगरा के शीर्ष सदन में आगरा जिला अधिकारी और एडिशनल कमिश्नर केशव चौधरी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में परीक्षा को
सुगमता के साथ कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और कहा गया कि इस बार परीक्षा में कोई भी धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, आगरा के डीसीपी सूरज राय भी पूरी तरह से इस परीक्षा पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस परीक्षा के नोडल अधिकारी आगरा के डीसीपी ट्रैफिक को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं आगरा शहर में जो परीक्षा होनी है पुलिस भर्ती की, उस पर उसको लेकर पुलिस कोई भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और कल सुबह ये परीक्षा होगी आगरा शहर में। न्यूज़ के लिए आगरा से शिव चौहान। 23 अगस्त यानी कि कल से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर फिरोजाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। परीक्षा में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों से लेकर केंद्र पर ड्यूटी करने वाले हर शख्स की सूची तैयार कर ली गई है ताकि परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे। जिले में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन पर सुरक्षा व्यवस्था का खाका भी प्रशासन ने खींच लिया है। जनपद फिरोजाबाद में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें कुल 2400 अभ्यर्थी प्रत्येक पाली में परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। इस प्रकार प्रतिदिन 4800 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जनपद में आएंगे। सभी इसमें जो पुलिसकर्मी लगाए गए हैं उनसे नो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी लिया गया है कि उनका कोई सगा संबंधी परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त उनका प्रशिक्षण, उनकी ब्रीफिंग, ये सारी चीजें की गई, उन्हें क्या करना है, कैसे चेकिंग और फिक्सिंग करनी है। 23 अगस्त 2024 से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर हम बात करें पुलिस भर्ती परीक्षा की तो 23, 24, 25 और साथ ही 30, 31 इन 5 दिनों में पुलिस भर्ती परीक्षा चलेगी पूरे प्रदेश भर में। अगर यहाँ के सेंटरों की बात करें तो फिरोजाबाद जनपद के अंदर लगभग 6 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें सभी जितने भी बड़े बड़े कॉलेज थे उनको सेंटर के रूप में बनाया गया है। साथ ही अगर सुरक्षा की व्यवस्था करें तो सुरक्षा की बात के अंदर प्रत्येक सेंटर पे कैमरों की, सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी व्यवस्था की गई है। कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं जो प्रत्येक छात्र पर निगरानी रखेंगे और साथ ही एक एक गतिविधि पर नजर रखेंगे। पूरे मामले में फिरोजाबाद के एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा का कहना है कि जो भी इसमें कर्मचारीगण जो भी लगाए जा रहे हैं और पुलिस के जो जवान लगाए जा रहे हैं उनसे एक शपथ पत्र भी मांगा जा रहा है जिससे वो उनका इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी उनका जानने वाला और जो परीक्षा देने वाला व्यक्ति उनका खास नहीं है, ना रिश्तेदार है और ना कोई जानने वाला है। इसको लेकर के काफी तैयारियां कर ली गई है। साथ ही जो परीक्षार्थी जो बाहर से आएंगे उनके साथ जो लोग रहेंगे उनके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी अलग व्यवस्था रखने की गई है और वो परीक्षा सेंटर से काफी दूरी पर रहेंगे। अगर फिरोजाबाद में बात करें अभ्यर्थियों की तो 4800 अभ्यर्थी प्रतिदिन परीक्षा में भाग लेंगे और देखा जाए अगर पूरे 5 दिनों में तो लगभग 28,000 पुलिस के भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने आएंगे। तो जिसको लेकर के काफी तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज़ स्टेट, फिरोजाबाद।